तुमने क्या किया? क्या किया? तुम खुद देख लो, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। बस इसे अपने बारे में लगाओ और अपने पति को ढेर सारा प्यार करो। मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। आज मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली के लिए पूजा में बैठना था, सब बर्बाद कर दिया आपने। इधर देखो, तेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से हमारी शादीशुदा जिंदगी टिकेगी? नहीं, जब तक मैं खुश नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे रोज रोज का पूजा पाठ करना, परहेज करना, ये सब ठीक है। एक बात नोटिस किया तुमने, शादी के बाद से तुमने मुझे कभी भी खुश नहीं किया है। जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर चल जाते हो। बीवी हूँ मैं आपकी, बेमन से अपने आप को सौंप दूँ यही चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। छोटे साहब जरा देख कर चलिए, वरना चोट भी लग सकती है और गुस्से में नुकसान हमेशा अपना ही होता है। अच्छा, अब मुझे तुमसे ये सीखना होगा कि क्या करने से नुकसान होगा, क्या करने से फायदा। चुपचाप जाकर अपना काम करो, समझ गई तुम? मैं तो अपना काम ही कर रही थी, आपके लिए कुछ चाय कॉफी लेके आऊं? एक काम करो, चाय कॉफी नहीं, अगर थोड़ा सा जहर मिल जाए ना तो वो जरूर ला कर। जहर? कुछ समझ में नहीं आता कुछ कह रहा हूँ तुमसे, जाकर अपना काम करो। तो अपना काम ही करे, बीवी से पट्टी नहीं है, गुस्सा हमेशा मेरे पे निकालते। क्या? एक सेकंड, क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। क्या क्या बोला, साफ साफ बोलो ना। नहीं कुछ नहीं कहा, मैं काम देख रही। क्या बात है बेटा, मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम थोड़े चिड़चिड़े से होने शुरू हो गए। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो ऑफिस का काम थोड़ा उसका प्रेशर है और कुछ नहीं। देखो बेटा, गृहस्थी चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ के संबंध मधुर होना जरूरी है, वरना इस रिश्ते को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अनुभव ऑल द बेस्ट बेटा। साहब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन एक बात बोलूं, मुझे लगता है मेम साहब और कुणाल साहब के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हर रोज उनका झगड़ा होता रहता है। पुष्पा, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें घर के कामकाज के लिए रखा है या घर वालों की जासूसी के लिए? तुम जाओ यहाँ से और अपना काम करो, और हाँ आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जी मेम साहब। सुमन, सौतेला ही सही, लेकिन कुणाल है तो मेरा इकलौता बेटा ना, और जब मैं उसे निराश देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। जी पापा, आइंदा से वो कभी दुखी नहीं रहेंगे। छोड़ो ना। क्या हुआ, तो मुझे नाराज क्यों? पता है आज फिर से साहब और मेम साहब ने मुझे डांटा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अगर तुम कहो तो उन दोनों का गेम बजा डालो। ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें पता है वैसे भी मेम साहब हफ्ते में 4 दिन तो सिर्फ व्रत करती है और बाकी के दिन पूजा पाठ। फिर तुम्हारे साथ मेम साहब के साथ करते क्या है? ठेंगा। अरे तुम ये सब छोड़ो, चलो हम दोनों घूमने चलते हैं।
कुणाल।